हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। इंटरमीडिएट के सेंटअप परीक्षा 19 अक्टूबर से शुरू होगी, ये सूचना आई है। तो ये किसका है? ये इंटर वाले उस विद्यार्थी का है जिनका अगले साल यानी 2022 में इंटर एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम देना है, यानी जो अभी सेकेंड ईयर में है। अभी पिछले महीने एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जा रहा था, एडमिशन भी साथ में ही हुआ है। तो उस विद्यार्थी का सेकेंड ईयर में सोचिए कि कोर्स पूरा हो गया, ऐसा माना जा सकता है, और एग्ज़ाम उनको अगले साल में फरवरी में जो होगी फाइनल ईयर्स का, उसको एग्ज़ाम देना है। तो आपने एग्ज़ाम की कितनी तैयारी की है, इसको जांचने के लिए सेंटअप परीक्षा या सेंटअप टेस्ट होता है। तो वो डेट आ गया है, 19 अक्टूबर से होना है। इसी संबंध में जो सूचना आई है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो बात करने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो पढ़ते हैं ये, और लेटर में क्या कहा जा रहा है, उन दोनों को खबर को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा 2022 की तिथि तय कर दी गई है, डेट फिक्स हो गया है, परीक्षा 19 अक्टूबर से शुरू होगी। यही जो अभी सितंबर चल रहा है, अगले महीने में, अब एक महीना भी नहीं बचा है, 20 दिन बचा है ऐसा मान लीजिए। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजी गई है। बिहार बोर्ड ने परीक्षा का जो शेड्यूल जारी किया है, इसकी सूचना सभी ज़िले में जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिनको DO कहते हैं, उनको भेज दिया गया है कि एग्ज़ाम लेना है। तो एग्ज़ाम के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, वो सब सारी चीज़ें दूसरे लेटर में जो है इनका, उसमें हम लोग पढ़ के समझेंगे। 2022 के इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए नियमित, स्वतंत्र और क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप के सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में शामिल होना है। तीन प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक नियमित हैं जो रेगुलर विद्यार्थी, स्वतंत्र जो हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, प्राइवेट होते हैं, क्वालिफाइंग विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाले हैं, ज़्यादातर इसमें नियमित विद्यार्थी ही रहते हैं। और ऐसे विद्यार्थी को जो एग्ज़ाम देना है, उनका फाइनल एग्ज़ाम की तरह ही ये सेंटअप टेस्ट भी होता है, जिसमें थ्योरी का भी एग्ज़ाम होता है, जिसको सैद्धांतिक एग्ज़ाम कहते हैं, परीक्षा कहते हैं, और प्रायोगिक विषय का भी एग्ज़ाम होता है, जिनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम लेना है, और इसमें विद्यार्थियों को उपस्थित भी रहना है, इनको हल्के में नहीं लीजिएगा, विद्यार्थी को आना ही होगा एग्ज़ाम देने के लिए। चाहे आप एक दिन मिस करेंगे, एक दिन की अगर कोई सिटिंग में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो बर्दाश्त भी किया जा सकता है, आपको नेक्स्ट डे समय दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना एग्ज़ाम दिए हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना होगा। और ये एग्ज़ाम अगर नहीं देंगे, इसमें पास नहीं होंगे, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो एग्ज़ाम का आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो ये इसका तरीका है। तो इसमें और बात है कि बोर्ड द्वारा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। अभी अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में प्रश्न पत्र छप गया है, वो भेजा जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो वो सभी सेंटर पर भेजा जाता है, जिस प्रश्न के आधार पर एग्ज़ाम होना है, तो वो भेज दिया जाएगा। परीक्षा का शेड्यूल जल्द जारी होगा, अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, बन गया है, प्रकाशित अभी नहीं हुआ है। उधर 19 अक्टूबर से सेंटअप परीक्षा का शुरू होना तय हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज हो सकता है उसमें, क्योंकि उस दिन जो है हजरत मोहम्मद साहब की जयंती है, और जयंती के कारण स्कूलों में छुट्टी की घोषणा जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पहले ही की जा चुकी है, इसलिए 19 से शुरू ना होकर के ये 20 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। तो अब ये लेटर में क्या कहा गया है, थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लें और समझ लें। लेटर में कहा गया है, विषय पढ़िए, इंटरमीडिएट उत्प्रेषण हिंदी में है, इसी को इंग्लिश में सेंटअप कहते हैं, जांच परीक्षा टेस्ट एग्ज़ाम 2021 की गोपनीय सामग्री प्रेषण के संबंध में। यहाँ पर देखिए शब्द है, जो डेट दिया गया 2021, चूँकि सेंटअप टेस्ट 2021 में हो रहा है और फाइनल एग्ज़ाम इस विद्यार्थी का 2022 में होगा, तो ये कन्फ्यूजन में पेपर में 2022 लिखा गया था, सेंटअप टेस्ट तो 2021 में ही हो रहा है। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में, वार्षिक परीक्षा जो होगा फाइनल तो 2022 में होगा, में सम्मिलित होने वाले सूचीकृत नियमित, स्वतंत्र एवं क्वालिफाइंग कोटि के छात्र छात्राओं के
सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की उत्प्रेषण यानी सेंटअप टेस्ट प्लस टू विद्यालय या महाविद्यालय के स्तर पर संचालित होगी। यानी विद्यार्थी जिस कॉलेज के जिस स्कूल के हैं उसी कॉलेज उसी स्कूल में ये परीक्षा होना है। इसके लिए अलग से सेंटर नहीं बनाया जाएगा। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की उत्प्रेषण जांच दिनांक 19 से प्रारंभ होगी। उत्प्रेषण या सेंटअप जांच परीक्षा आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा दिनांक 9/10/21 से 11/10/21 के बीच प्रश्न पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त कराया जाना है। यानी हर एक सेंटर पर यानी हर एक विद्यालय महाविद्यालय में 11 के और 9 के पहले यानी 9 से 11 तीन दिन है, 9, 10, 11 इस बीच में सेंटर पर प्रश्न पत्र जितने विद्यार्थियों के हैं वो सभी आ जाएंगे। अनुरोध है कि गोपनीय मुद्रक के प्रतिनिधि से प्रश्न पत्र प्राप्त कर उन्हें प्राप्ति रसीद निर्गत कर देंगे। तो ये चूँकि सचिव ने भेजा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को और DO भेज देगा सेंटर पर, तो जो भी लेंगे वो रिसीविंग देंगे कि हमने ये इतना प्रश्न पत्र पाया है, इतना बंडल, इतना पैकेट, और वो सुरक्षित रखेंगे, उसको अपने नियंत्रण में लेकर के सुरक्षित रखवा देंगे। ये चूँकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में आएगा पहले ये 9 से 11 के बीच में, वो फिर धीरे धीरे सेंटर पर परीक्षा के दिन या उससे दो दिन पहले एक दिन पहले भेजेंगे। इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। अपने जिला अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय के प्रधान अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रश्न पत्र दिनांक 16 से 18 तक की अवधि में प्राप्त कराने की व्यवस्था करेंगे ताकि उत्प्रेषण जांच समय प्रारंभ हो सके। अब 9 से आप 11 के बीच में DO ऑफिस में प्रश्न पत्र आ गया, DO ऑफिस फिर लिस्ट बना करके जो है 16 से 18 तारीख के बीच में सभी सेंटर पर प्रश्न पत्र भिजवा देंगे और उनसे भी रिसीविंग ले लेंगे ताकि एग्ज़ाम सही समय पर हो सके। ऐसा ना हो कि डेट आ गया और प्रश्न पत्र आया ही नहीं, विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तीसरा पॉइंट है, शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि को अपने स्तर से यह भी निर्देश देने की कृपा करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पत्र लीक ना होने पाए। यानी कि सेंटर सुपरिटेंडेंट को CS जो होते हैं कॉलेज वाले, वो प्रिंसिपल हो सकते हैं या उनके द्वारा बनाए गए कोई और भी हो सकते हैं, तो उनको हिदायत दी जानी है कि परीक्षा होने से शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र का पैकेट या नहीं खुलना चाहिए, वो लीक नहीं होना चाहिए एवं गोपनीय प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने की संपूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। अगर वो लीक होता है तो उस संस्थान के उस इंस्टीट्यूट के कॉलेज या स्कूल जो भी है उसके प्रिंसिपल पर जवाबदेही जाएगी कि उन्होंने सही ढंग से सुरक्षित नहीं रखा है। यही इसका अभी सोचना था प्लस टू वाले का सेंटअप टेस्ट का। तो जो भी कहीं इधर उधर हैं वो समय पर आप आ जाएं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होना है तो उसी समय प्रैक्टिकल के लिए बताया जाएगा जब कॉलेज में आप संपर्क करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। अब ये पहले रूटीन जो है बिहार बोर्ड बनाएगी, वो भेजेगी प्रश्न के साथ में, उसको सभी कॉलेज में भेजा जाएगा। तो अब ये अगर स्ट्रिक्टली ये लागू कर दिया जाएगा कि जैसा बिहार बोर्ड ने रूल बनाया है जो डेट में जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेना है तो फिर उसी सब्जेक्ट के हिसाब से एग्ज़ाम होगा कॉलेज में भी। अगर थोड़ा सा उसमें रिलीफ दिया जाएगा किसी कारणवश, जैसे कोई विशेष काम हो, तो उस सेंटर पर डेट में चेंजेज हो सकता है, लेकिन ये कम ही चांस रहता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आउट होने का खतरा होता है। इसीलिए बिहार बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि किस डेट को कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है। तो जब तक बिहार बोर्ड वो प्रोग्राम नहीं बना देता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसका किस दिन सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है। तो आप 19 नहीं 20 से समझें एग्ज़ाम होने वाला है, प्रैक्टिकल उसके बाद होगी ऐसा मुझे लगता है। ये इंस्टीट्यूट का कॉलेज का अपना मामला है, इसलिए वो एक डेट जारी कर देंगे या हो सकता है बिहार बोर्ड उसके लिए भी कोई गाइड कर दे। तो जैसा भी लेटर आता है उसी के अनुरूप एग्ज़ाम लिया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, जैसे ही सेंटअप टेस्ट का वो प्रोग्राम आ जाएगा और एग्ज़ाम कैसे लिया जाना है ये, तो वो चीज़ हम सूचना देंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हर एक विद्यार्थी को
इस परीक्षा में शामिल होना है। जनरली किसी को फेल नहीं किया जाता है अगर आपने भरसक अपना प्रयास किया हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो नहीं तो अगर आप आए और बिना कुछ लिखे चले जाएं, कॉपी ब्लैंक जमा करेंगे तो आपको कैसे पास किया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा समय है, अपना सिलेबस जो आपका है, अपने सब्जेक्ट का जो है उसको एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट स्टडी कर लीजिए। आप 22 में 3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम देना है आपको, अगर आपका प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो कैसे आप पास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने तैयारी कर ही रखी होगी, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।